सब एक दूसरे पे टोपी पहना रहे हैं, बाकी काम कुछ नहीं हो रहा। केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार को भी और उसको भी इतना करीब से देख लिया तो लगता है कि एक बार बीजेपी को भी देख लिया जाए। आम आदमी पार्टी के अंदर भी पॉलिटिशियन है। केजरीवाल दिल्ली में सरकार चेंज होगी, ऑब्वियसली चेंज होगी, बीजेपी आएगी। काम से संतुष्ट है आप लोग? काम का मैं नहीं बोलता, लेकिन जो माहौल है वो सौरभ भारद्वाज भी यहाँ पे आ जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24, मैं हूँ अभिषेक कुमार। दिल्ली में अब चुनावी हलचल शुरू हो गई है और ये जानने के लिए हम लोग लगातार हर क्षेत्र में जाकर कोशिश कर रहे हैं कि इस बार आम लोगों की क्या राय है, दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है और आम जनता विकास के प्रति कितना सही पैमाने पर सोच रही है कि जो विकास है वो उनके क्षेत्र में हुआ है। सीधे हम लोगों से आपको मिलाते हैं। अभी चिराग दिल्ली में हम हैं, ग्रेटर कैलाश विधानसभा का ये क्षेत्र है और यहाँ पर आप देखिए ये जो है चिराग दिल्ली गांव का मुख्य एंट्रेंस है। इस रास्ते से आप चिराग दिल्ली गांव की तरफ जाते हैं और यहाँ लोगों की भीड़ है। कुछ लोगों से हम यहीं पर जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है, ये लोग क्या सोचते हैं इस बार दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए। आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है? केजरीवाल केजरीवाल की आ रही है। आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है? आई डोंट नो, मतलब वोट भी एक बार नहीं लेंगे। अभी बिहार से आया है, अभी अभी आया है भैया। आपके हिसाब से कौन इस बार सरकार बना रहा है? केजरीवाल। केजरीवाल बना रहा है, अच्छे काम किए केजरीवाल जी ने। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर लोगों की राय हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ कचौड़ी वाले कुछ भाई हमारे हैं और इनकी कचौड़ी काफी फेमस है। अगर चिराग दिल्ली में आप घुसते हैं तो एंट्री पर ये कचौड़ी कई बार हमने दिखाई है। क्या लग रहा है किसकी सरकार होगी इस बार भाई? केजरीवाल की होगी। बिल्कुल, केजरीवाल के राज में क्या क्या अच्छा लगा आपको? सब ठीक है, अच्छा ही है, सब अच्छा है, सब ठीक है। देखिए यहाँ पर लोगों से हम राय जान रहे हैं इन लोगों की और अंदर जो है गांव का जो माहौल है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं और इनसे जानने वाले हैं कि आखिर इन्हें क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। आप यही रहते हैं जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार और कौन आपके यहाँ का विधायक बन रहा है? यहाँ का आपके उस पर बात कर रहे हैं, मतलब दिल्ली विधानसभा चुनाव में? दिल्ली विधानसभा में यहाँ से तो सौरभ भारद्वाज जी आ गए। आम आदमी पार्टी, बढ़िया काम हुआ हा? काम से संतुष्ट है आप लोग? काम का मैं नहीं बोलता, लेकिन जो माहौल है वो सौरभ भारद्वाज जी यहाँ से आ जाए। अच्छा, पक्ष में चूंकि गांव है उनका जी, गांव का गांव है और उसका एडवांटेज मिलेगा उन्हें। बिल्कुल, देखिए तो गांव है यहाँ पर चिराग दिल्ली में, सौरभ भारद्वाज जी का जो यहाँ के विधायक है और दिल्ली सरकार में मंत्री है। लोग एक बार पुनः ये कह रहे हैं कि ग्रामीण होने के नाते उनके साथ यहाँ की जनता है। कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, आप कहाँ रहते हैं? आवाज ये दुकान है। अच्छा, ये दुकान अपनी है तो दुकान पर बहुत तरह की चर्चाएं होती होगी, क्या लग रहा है आपको? क्या लगता है लोगों से जो बातचीत होती होगी, वोटर आप यही के हैं या बाहर? हमारा तो यही का है। अच्छा, यही के है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है इस बार कौन आना चाहिए? कोई भी आए, काम करना चाहिए और क्या? काम करना चाहिए। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आपको दिल्ली में छोड़िए, इस सीट पे नहीं, थोड़ा स्थानीय होने के नाते नहीं होता, बताइएगा आप दिल्ली में क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? दिल्ली में भी कोई पता नहीं किसके साथ, मतलब मुकाबला जो आपको लगता है वो टक्कर वाला है? हाँ, अभी टक्कर का है। अच्छा, आपको भी लगता है मुकाबला इस बार टक्कर का है दिल्ली में? नो कमेंट। मतलब स्थानीय मुद्दे से छोड़ के दिल्ली में सरकार पे कमेंट नहीं कर सकते? कोई ऐसा भेज ही नहीं है जो अभी है, उनसे जो उम्मीद थी वो उन्होंने पूरी नहीं करी। अच्छा, और बीजेपी के पास कोई अभी चेहरा नजर ऐसा चेहरा नहीं है बीजेपी के पास? बीजेपी की कमी ये है कि उसने सीएम पद का कोई चेहरा, कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा कि मैं उससे मोटिवेट हूँ कि भाई ये करेंगे। और केजरीवाल जी ने तो देखा ये डिसअपॉइंट ही हुए। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर लोगों की राय लगातार आप देख रहे हैं। इस वक्त एक चाय की दुकान पर हम हैं और चुनाव पर जब बात होती है तो चाय के दुकान की चर्चा आजकल बहुत जोरों पर चलनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले चाय वाले भैया से जान लेते हैं क्योंकि आजकल कई तरह के किस्से और कहानियां चाय को लेकर शुरू हो गई है। काम धंधा कैसा चल रहा है आपका? ठीक है, चल जाता है गुजारा? गुजारा हो जाता है। अच्छा, भीड़ भी होती है? हाँ, होती है दुकान पर, सुबह शाम के समय ज्यादा होती होगी। अच्छा, आप यही रहते यहाँ है? यही के रहने वाले जाट है। अच्छा, यही के रहने वाले ग्रामीण है? प्रॉपर आप
अच्छा, क्या विकास उकास हुआ यहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं। तो इस बार आपको क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो कोई पता नहीं, कोई किसी की भी आ सकती है, आम आदमी की भी आ सकती है, बीजेपी की भी आ सकती है, दोनों मेरा चांस दोनों का ही है। आप किसको पसंद करते हैं? मैं दोनों को पसंद करता हूँ। दोनों को पसंद करते हैं। पोलिंग अपना गुप्त है और आज हम उतना खुल के भी बात नहीं करेंगे चाय वाले भैया से। आप बताइए आपको क्या लगता है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस दिल्ली में कौन? वैसे तो मेरा वोट 10 साल होने जा रहा है लगभग आम आदमी पार्टी की सरकार को भी, और उसको भी इतना करीब से देख लिया, तो लगता है कि एक बार बीजेपी को भी देख लिया। अच्छा, करीब से देख लिया, मतलब आम आदमी पार्टी को जिसके लिए मौका दिल्ली वालों ने दिया था वो मौका पूरा हो चुका है, उस समय पे पूरा कर चुके हैं। हाँ, इस बार ऐसा लगता है कि देख लिया जाए एक बार। अच्छा, क्योंकि इतने बड़े बड़े दावे करती है बीजेपी, तो इनको भी देख लिया जाए, पॉल्यूशन को लेके या विकास को लेके या जितना भर समस्या है उनको लेके। क्या समर्थन? देखिए, ये है ग्रामीणों की राय और गांव की जो राय आप समझ रहे हैं। दिल्ली पे पॉल्यूशन सबसे ज्यादा हावी है आज के समय में, और पॉल्यूशन ऐसा आप मान के चले कि सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हो रही है, बुजुर्ग बच्चे, स्कूल्स, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं आज के समय में, और कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। हर साल दिल्ली में पानी की किल्लत, हर साल दिल्ली में पॉल्यूशन की किल्लत, ये तमाम तरह की चीजें रहती है, यमुना सफाई का मुद्दा उठता है, सब राजनीति में भरी रह जाती है। आपको क्या लग रहा है, पॉलिटिक्स पे ज्यादा बात ना करते हैं दिल्ली में किसकी सरकार? पॉल्यूशन दिल्ली में है और आम आदमी पार्टी के अंदर भी पॉल्यूशन है। अच्छा, मुझे लगता है कि इस बार कुछ चैन होना चाहिए, बहुत हो गया, 10 साल 12 साल हो गए उनको, बहुत हो गया, किसी और बार देखे नहीं होना चाहिए। किसी और में क्या, कांग्रेस तो उस स्थिति में नजर आती नहीं है अभी, स्थिति में तो पब्लिक लाती है, जिसको भी लाना चाहे बदलना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा चेंज ओवर करना चाहिए इस बार। अच्छा, तो इस बार भाजपा आपको लगता है होगी दिल्ली में? भाजपा अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेगी तो नहीं होगी, करेगी तो जरूर होगी, हिंदू मुस्लिम करेगी तो होगी। देखिए, ये तंज भी है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि भाजपा को जिस चीज के लिए जाना जाता है उस पर भी भाई साहब ने अपनी राय दी। आपको क्या लगता है, ज्यादा पॉलिटिक्स पर नहीं है, हम दिल्ली में बात कर रहे हैं, दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए इस बार? जो अच्छा काम करेगा उसी की सरकार होगी। तो कितने आपने, मुझे लगता है कि 20-25 बार तो वोट दे ही दिया होगा अपनी उम्र में। यहाँ तो सौरभ भारद्वाज है तो काम ही कर ही रहे हैं। अच्छा, तो सौरभ भारद्वाज जी चिराग दिल्ली के लिए ठीक है, मतलब ग्रेटर कैलाश विधानसभा के लिए ठीक काम हो रहा है दिल्ली में, लग रहा है आपको इस बार आम आदमी पार्टी आएगी? हमें पूछ देते आपसे, नहीं आएगी, नहीं आएगी, कौन आएगा? ये तो भाजपा है। अच्छा, भाजपा क्यों आनी चाहिए, मतलब क्या लग रहा है, भाजपा सारा काम कर लेगी? तो आम आदमी दिल्ली में है भाजपा और आम आदमी पार्टी। अच्छा अच्छा, कांग्रेस इस स्थिति में है, कांग्रेस है ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए आम जनता मान रही है कि कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है, अलायंस की बात अलग है, लेकिन दोनों ही पार्टियों का अगर अब तक का रुख देखते हैं आप, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, तो ऐसा लगता नहीं है कि दिल्ली में कोई अलायंस दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए होने वाला है। जनता का सीधा कहना है कि दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर इस बार देखी जाएगी। हो सकता है भाजपा बाजी मार ले या हो सकता है आम आदमी पार्टी बाजी मार ले। आम आदमी पार्टी का जलवा थोड़ा कम जरूर हुआ है, क्योंकि वे 10 साल सत्ता में रहे हैं केजरीवाल साहब, और उसके बाद आप देखेंगे कि जो परेशानियां हैं वो जस की तस परी हुई है। हालांकि कुछ जगहों पर अगर स्थानीय विधायकों की बात करें तो अपने स्तर से उन्होंने बहुत सारे काम कराए। एक शख्स हमें मिले हैं जिनका कार्यालय यहाँ पर है, रहते दिल्ली में दूसरी जगह है, लेकिन बात हम उनसे करने वाले हैं कि दिल्ली में इस बार क्या लगता है इनको, किसकी सरकार बन रही है या पुरानी सरकार जो है वही रिपीट होने वाली है? नहीं, क्या नहीं, लगता है दिल्ली में सरकार चेंज होगी, चेंज होगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। सबसे बड़ा मुद्दा जो आपको लगता है बीजेपी को सपोर्ट करने में वो क्या है? बीजेपी को सपोर्ट करने में सबसे बड़ा मुद्दा तो बेसिकली कई सारी चीजों पे है। बीजेपी बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ सब कुछ मेंटेन है, जैसे यहाँ पे पोल्यूशन इतना चल रहा है, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ वो नहीं है, तो काफी सारी फर्क है, बीजेपी का कंट्रोल करेगी। इनसे जानने की कोशिश होगी दिल्ली में इस बार क्या मानते हैं, कौन, आप या भाजपा? भाजपा तो नहीं आएगी, भाजपा नहीं आएगी। अच्छा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर बात की जाए दिल्ली में, अभी एक भाई साहब गए थे कि 10 साल हमने मौका देके देखा आम आदमी पार्टी को, लेकिन पूरी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसको समस्या का समाधान कर दिया
भाजपा ने कर दिया समस्या का समाधान? बिल्कुल नहीं किया भाई। दिल्ली में लोग जनता को उलझाने का ही काम रहा है, हर बार राजनीति का एक ही मुद्दा होता है, पॉल्यूशन आपका, यमुना सफाई, छठ पूजा हो तो छठ घाट पे आती है, पता ही है क्या चीजें हुई थी। तो आप क्या मानते हैं, मतलब आम आदमी पार्टी और खासकर सौरभ भारद्वाज की अगर हम बात करते हैं, इस क्षेत्र में कितना काम हुआ? दस वर्षों में सब एक दूसरे पे टोपी पहना रहे हैं, बाकी काम कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, काम कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल। तो देखिए, ये दिल्ली की जनता की राय है, जो हकीकत बता रहे हैं कि सभी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, जितनी भी पार्टी है, जितने भी नेता है, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर हर बार सत्ता में आने की सोचते हैं। आप यहाँ रहते हैं? नहीं, कहाँ रहते हैं? हम उड़ीसा से। अच्छा, उड़ीसा से है। दिल्ली के वोटर है कि उड़ीसा में वोट? उड़ीसा में। उड़ीसा में वोट देते हैं। कितना समय हो गया यहाँ? यहाँ हो गया 20 साल। 20 साल हो गया। कुछ बदलाव दिखता है अब चिराग में, पहले के और अब में? बदलाव कुछ नहीं है, राजनीति चल रहा है। कुछ पहले भी ऐसा ही था, अभी ऐसा ही दिखता है? नहीं, अभी पहले से शुरू से ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, लोगों में जो राय है लोगों की, उसको आप समझ सकते हैं, ऑन कैमरा हम दिखा रहे हैं, और कोशिश हमारी यही होती है कि हर किसी की राय को हम समझने की कोशिश करें और उससे एक आकलन, एक स्थिति रिपोर्ट बनाकर आपको दिखाया जाए कि इस बार दिल्ली में जो हमारा चुनावी सर्वे चल रहा है, उसका एक सटीक आकलन आप कर सके कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। कैमरा पर्सन वैंग के साथ मैं अभिषेक कुमार।